हमने फॉर्मूला तो कर ही लिए थे सीज एलसीआर के। सेम रूल है एलसीआर में, अब टोटल ईएमएफ को टोटल करंट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल इम्पीडेंस आएगी, पर एलसीआर की जो इम्पीडेंस है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इस टॉपिक में टेन फाई का फॉर्मूला एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर और कॉस फाई तो सेम है, तो ये अभी रुक जाते हैं थर्ड पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर करते हैं 37। चेक करो, सबसे पहली चीज इसमें क्या गिवन है, फाइंड द इंपीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। अगर रिएक्टेंस ऑफ सी एंड एल आर गिवन, रिएक्टेंस ऑफ सी क्या होता है एक्स सी, एल क्या होता है एक्स एल, और आर आपको गिवन है, तो जेड का ये फॉर्मूला है, आर आपको पता है, एक्स एल पता है, एक्स सी पता है, आंसर इंपीडेंस आ गई। 38th क्वेश्चन में एक रजिस्टर गिवन है आर, इंडक्टर गिवन है एल एल एंड कैपेसिटर गिवन है सी, माइक्रोफेरेड है, फेरेड में कन्वर्ट कर लेना है इसे। कनेक्टेड टू सीरीज ऑफ वोल्टेज, अब कुछ ना गिवन हो तो ई आर एम एस इफेक्टिव एक ही बात है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फाइंड इंपीडेंस। तो इंपीडेंस के लिए क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला ये ना, आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक्स एल आपको निकालना पड़ेगा एल ओमेगा और एक्स सी निकालना पड़ेगा वन बाय सी ओमेगा, इसने अलग से निकाल लिया एक्स एल एल ओमेगा एक्स सी वन बाय सी ओमेगा, तो एक्स एल आ गया एक्स सी आ गया, वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये देखो 39। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रीडिंग्स इन द वोल्टमीटर एंड एममीटर ऑफ द सर्किट एज शोन। चलो पहले एममीटर से स्टार्ट करते हैं, वोल्टमीटर हटा रहा हूं मैं, एममीटर ये बताओ कि इसमें आर एल और सी तीनों हैं, सीरीज में है कि नहीं। वोल्टमीटर को ना देखो, सीरीज नहीं है देखो, और वोल्टमीटर देख भी लोगे तो वोल्टमीटर कुछ कहते हैं ना, तो रीडिंग मेजर करने के लिए, सर्किट का पार्ट थोड़ी ना होता है ये, सर्किट का पार्ट नहीं है तो वो सिर्फ रीडिंग मेजर करने के लिए है। तो ये तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो ये जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली ये क्या है, ई आर एस, आर पता है, एक्सएल पता है, एक्ससी पता है। ठीक, अब एमीटर की रीडिंग लेनी है, एमीटर की रीडिंग क्या मेजर करेगी, आई आर एस। जब एक रीडिंग लेनी होती है तो क्या मेजर करेगी, आई आर एम एस विच विल बी इक्वल टू ई आर एम एस बाय सेट, यही फॉर्मूला है। ई आर एम एस तो गिवन है इसमें 90, आपको क्या निकालना है जेड, तो जेड निकाल लो इसमें, तो जेड में क्या है, आर पता है, एक्सएल पता है, एक्ससी पता है, तो यहां से जेड निकाल लो। तो जेड की जगह यहां पर क्या पुट करेंगे, 45, ई की जगह क्या पुट करेंगे, 90, डिवाइड करके करंट क्या आएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो ई आर एम एस पता है, गिरा ई आर एम एस, जेड आपने निकाल लिया आंसर, तो करंट आ गया। तो एम मीटर एसी के अंदर आर एम एस करंट मेजर करता है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको, अब वोल्टमीटर क्या रीडिंग करता है, वोल्टमीटर किसके किसके बीच में लगा हुआ है, एक कैपेसिटर के और एक इंडक्टर के, इसकी रीडिंग मेजर करेगा। अब मुझे दिख रहा है कि एक्स सी और एक्स एल की वैल्यू सेम है, एक्स सी और एक्स एल की वैल्यू सेम है,
अगर मैं दोनों साइड्स को करंट से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहेगा, तो VC और VL की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है, तो VC और VL भी सेम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ, अगर यहां VC VL सेम है, इन तीनों में कह रहा हूं, तीनों में नेट वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया था, अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ऐसी था। पर मैं यहां पर वोल्टेज R में तो मेजर कर ही नहीं रहा, मैं किस में कर रहा हूं, C और L में, तो इसको हटा दें फॉर्मूले में से, तो क्या बचा इसमें, नेट वोल्टेज क्या आई, VL माइनस VC, पर मैंने क्या बताया, VL तो VC के इक्वल है, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो नेट आंसर जीरो क्यों है? क्लियर है यहां तक कि XL XC के इक्वल है, VL VC के इक्वल है, और नेट वोल्टेज यहां पर क्या आएगी, VL माइनस VC। अच्छा वैसे भी एक बात बताओ, अगर कुछ समझ में नहीं आता, हमने वेक्टर ड्रॉ किए थे, वेक्टर में हमने एक VR लिया था, एक हमने VL लिया था, एक हमने VC लिया था। अगर मैं पूछूं कि VL और VC की नेट वोल्टेज यहां पर कितनी है, VL VC तो बराबर है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, नेट आंसर क्या देंगे फिर से, जीरो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? एक शॉर्टकट सुन लो, अगर XL XC के इक्वल है तो VL VC के इक्वल है, नेट वोल्टेज पक्का जीरो आएगी, करने की जरूरत भी नहीं है। अगर VL VC के इक्वल है तो दोनों की नेट वोल्टेज जीरो ही आएगी, ठीक। 39 के बाद 40, देखो क्वेश्चन में ये गिवन है, एक इंडक्टर गिवन है, एल सी गिवन है और आर गिवन है, सीरीज में है, ई आर एम एस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इम्पीडेंस निकाल लो, तो इम्पीडेंस तो निकाल ही लोगे, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो एक्स एल की जगह एक्स एल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल ओमेगा, एक्स सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/c ओमेगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, तो सेकंड पार्ट तो इजी है, तो करंट क्या होगा, ई आर एम एस बाई जेड। अब ई आर एम एस तो क्वेश्चन में गिवन ही है, जेड आपने फर्स्ट पार्ट से निकाल ही लिया आंसर, तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे एलसीआर सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन है एक रेजिस्टर है आर, कैपेसिटर है ऑफ रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब एक्स सी, प्योर इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस, बोलो सिंबल क्या है, एल की एक्सएल, एल क्योंकि इंडक्ट हेनरी है, एल वो जान के उसने क्या किया, इसको एक्स सी दे दिया, उसको एल दे दिया,
ताकि लोग फ्लो में एक्स एल सी की जगह एक्स एल यूज़ कर जाएं, हेनरी है, एल है वो, तो एक्स एल निकालना पड़ेगा एल ओमेगा से उसमें, ठीक है। बस इसमें ये ट्रिक है, करंट निकाल दो कहता है, तो ये ई आर एम एस पता ही है, तो आपको इम्पिडेंस निकालनी पड़ेगी एल सी आर की, एक्स बस फर्क ये कि एक्स सी पता है, एक्स एल आपको एल ओमेगा से निकालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जेड आ जाएगा, जेड आ गया तो करंट आ जाएगा ई एम एफ, जो ई आर एम एस बाई जेड से। और नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फेज एंगल बताओ करंट और वोल्टेज में। एल सी आर में फेज एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, टेन फाई एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, एक्स एल पता है, एक्स सी पता है, आर पता है, टेन इनवर्स में छोड़ देना, ठीक। ये क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा मैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेजोनेंस, अभी मैंने टॉपिक करवाना है रेजोनेंस का, रेजोनेंस नहीं कर रहा अभी मैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन करें, फोर्टी फाइव, 45। एन इंडक्टर कॉयल ज्वाइंट टू 6 वोल्ट बैटरी, ये डीसी बैटरी है प्लीज़, इंडक्टर को डीसी से कनेक्ट किया तो स्टेडी करंट ऑफ 12 एम्पियर है, तो डीसी वोल्टेज डीसी करंट आपको क्या देगी, आर देगी, ठीक है। दिस कॉयल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर एंड एसी सोर्स, जो इंडक्टर कॉयल है उसमें ऑलरेडी आर भी है, उसमें एक्स एल भी अगर एसी कनेक्ट करें और साथ में कैपेसिटर भी लगा दिया, अब क्या बन गया, एल सी आर, तो एल सी आर में ई एम एफ ई आर एम एस आपको दे दिया। करंट इन दिस सर्किट इज इन फेज विद ई एम एफ, इन फेज इन ई एम एफ का मतलब फाई क्या होता है, जीरो, तो ना कोई आगे ना कोई पीछे, फाइंड आर एम एस करंट। तो इस क्वेश्चन में आर तो आपने निकाल ही लिया, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इन फेज बोला जाता है ई एम एफ एंड करंट इन फेज, तो फाई क्या लिया जाता है, जीरो, तो टेन फाई होता क्या है, टेन फाई होता है एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, पर फाई जीरो है तो एक्स एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सी, तभी तो जीरो आएगा। और अगर एक्स एल एक्स सी के इक्वल होगा तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वेयर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, और अगर ये बराबर हो गए तो जेड किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। तो याद रखना जब वो ये बोलेगा कि ई एम एफ एंड वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, फाई जीरो, टेन फाई जीरो, एक्स एल एक्स सी के इक्वल, जेड आर के इक्वल, इस बात को एक लाइन में प्रूव कर सकते हैं, कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन जेड, इन फेज का मतलब कॉस ऑफ जीरो इज आर अपॉन जेड, तो आर ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ गया, जेड, जो मर्जी फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे टेन फाई चाहे कॉस फाई, आर जेड के इक्वल आएगा अगर फाई जीरो होगा, क्लियर है यहाँ तक, फाइव जीरो में ओनली रेजिस्टेंस सर्किट काम करेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में अब क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में करंट निकालना है, अब करंट निकालना है तो ऑब्वियसली कौन सा निकालना है, आई आर एम एस, जो कि क्या होगा, ई आर एम एस बाई जेड, ई आर एम एस तो क्वेश्चन में गिवन है, जेड नहीं गिवन, पर आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जेड किसके इक्वल है, आर के, आर तो गिवन है तो जेड भी आ गया आंसर, ठीक। तो ये इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 48।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है बताओ। आपको सी पता है, आर पता है, एल पता है, नेक्स्ट है एसी सोर्स है, और फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है फॉर विच द करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम। ये पहला पार्ट है। इस पार्ट को 2 मिनट छोड़ देते हैं, अभी हमने किया नहीं है, आप बाकी पार्ट करो। इसमें इसमें कह रहा है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यानी कि क्या गिवन है, ई नॉट गिवन है 200 वोल्ट, और अगर ई आरएमएस पूछूं तो क्या आएगा, ई नॉट बाय √2 आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है, फाइंड फॉर मैक्सिमम करंट इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। इसमें ना यार मैक्स रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, छोड़ना पड़ेगा, 1 मिनट ये नहीं करेंगे। इसमें मैक्सिमम करंट मैंने करवाया नहीं, ये करेंगे 47 करो, ये हो जाएगा। वो मैक्सिमम करंट का कॉन्सेप्ट ना इस असाइनमेंट के बाद करवाऊंगा, फिर ये क्वेश्चन करवाऊंगा, पर इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगी मैक्सिमम करंट होता क्या है। आप ये लास्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद बताता हूँ मैक्सिमम करंट का क्वेश्चन करना कैसे है। तो क्या गिवन है इसमें, इसमें गिवन है एक कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर। ई की वैल्यू क्या गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है 310 साइन ऑफ 314 t। तो जब ये चीज़ें गिवन होती हैं सबसे पहले कंपैरिजन करना होता है, कंपैरिजन करके ई नॉट की वैल्यू 310, ओमेगा की वैल्यू 314। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, 1 सेकेंड। तो ई की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 310 साइन ऑफ 314 t। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 310, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 314। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 314, सॉल्व करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पहला पार्ट क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट व्हाट इज द रिएक्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो रिएक्टेंस का सिंबल क्या होता है, एक्स एल, एल ओमेगा से आ जाएगा, एक्स सी 1/c ओमेगा से आ जाएगा। दो रिएक्टेंस निकलेंगी एक्स एल और एक्स सी। अब इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना, एक वैल्यू बड़ी होगी एक छोटी होगी इसकी। तो आपको इसमें नेट रिएक्टेंस निकालनी है, नेट रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने क्या कर देना है, माइनस। क्लियर है यहां तक, दो रिएक्टेंस निकालनी है लेकिन नेट निकालने के लिए बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक वैसे ही जैसे VL में से VC या VC में से VL को माइनस करते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट क्या निकालना है, इंपीडेंस। देखो इंपीडेंस तो आई जाएगी, इंपीडेंस का LCR का फॉर्मूला आपको पता ही है, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, करंट में आई आरएमएस पूछ रहा है, ई आरएमएस बाय जेड। तो ई नॉट पता है तो ई आरएमएस आ जाएगा, और जेड आपने निकाल लिया तो करंट आ जाएगा, तो आई आरएमएस भी आ गया, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ द करंट। अब फेज एंगल क्या होगा, फेज एंगल के अंदर क्या करेंगे, टेन ऑफ फाइव, टेन फाइव विल बी इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। आंसर पुट कर लेना, टेन इनवर्स का आंसर आएगा।